नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ कि लैपटॉप में, कंप्यूटर में नोटपैड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। बता दो आपको मैं, कंप्यूटर और लैपटॉप अगर आप सीख रहे हैं या सीखने बारे में सोच रहे हैं तो आपको नोटपैड जरूर आना चाहिए। क्योंकि देखिए, कभी भी किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप कंप्यूटर सीखने के लिए एडमिशन कराते हैं तो जो वहाँ टीचर होते हैं ना, सबसे पहले नोटपैड ही सिखाते हैं। कैसे उसके अंदर टाइप करते हैं, क्या क्या फीचर उसके अंदर होता है, तो यही देख लीजिए, कहीं मत जाइए दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो, आपको कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और हाँ, उसके बाद चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए। हम जब कोई भी नया वीडियो बनाएंगे तो आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। देखिए दोस्तों, ये लैपटॉप हमारे पास है, ये आपका सोच कंप्यूटर हो, तो जो भी लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है ना, उसके अंदर विंडोज़ लोड होता है। विंडो मतलब माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जब विंडोज़ लोड करेंगे, चाहे विंडोज 7 हो, चाहे विंडोज 8 या विंडोज 10, विंडोज 11 जो भी हो, उसके अंदर नोटपैड पहले से इंस्टॉल होता है। मतलब विंडोज़ के अंदर फीचर होता है नोटपैड, और उसी के अंदर काम करते हैं, समझे। तो चलिए लेके चलते हैं आपको हम लैपटॉप में, दिखाते हैं आपको कैसे इस पर काम करते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों, ये पूरा लोड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे लैपटॉप में और हमको आज सीखना है नोटपैड। तो नोटपैड कैसे खोल सकते हैं, देखिए पहला ऑप्शन ये है कि आप यहाँ नीचे लिखा हुआ है, दिख रहा है ना आपको, टाइप हियर टू सर्च, दिख रहा है ना नीचे, टाइप हियर टू सर्च। यहाँ क्लिक करेंगे हम यहाँ पर और यहाँ लिखेंगे NOTEPAD, नोटपैड लिखेंगे तो देखेंगे आप ऊपर यहाँ पर बड़ा सा आगे लिखा गया है नोटपैड, दिख रहा है ना, छोटा दिख रहा है लेकिन देखिए ध्यान से तो दिख जाएगा आपको नोटपैड, नीचे लिखा ऐप, इस पर हम क्लिक कर देंगे। दोबारा क्लिक करने बाद में हमारा एक व्हाइट कलर का विंडो नया खुल गया, दिख रहा ना। एक तरीका ओपन करने का ये है और एक तरीका ओपन करने का बताता हूँ आपको मैं। इसको बंद करते, कोने से हम बंद कर देते हैं हम यहाँ से। और एक तरीका हमारा स्टार्ट दिया ना, यहाँ पे देखिए स्टार्ट पे माउस जहाँ कर्सर हमारा जा रहा है, यहाँ देखिए स्टार्ट पे क्लिक किया हमने, यहाँ क्लिक किया और देखिए यहाँ नीचे चले जाएंगे इसे, हम स्टार्ट पे क्लिक किया उसके नीचे चले जाएंगे कर्सर से, देखिए एकदम कर्सर चले जाएंगे नीचे जाते जाएंगे। यहाँ लिख के आएगा विंडोज एक्सेसरीज, दिख रहा है आपको विंडो एक्सेसरीज यहाँ दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा नोटपैड, दिख रहा ना ये। तो ये नोटपैड जो भी कंप्यूटर जो भी लैपटॉप के पास पड़ा होगा, सबके अंदर नोटपैड लोड होता है। क्योंकि जो वेब डिजाइनिंग काम करते हैं, जो वायरस बनाते हैं, जो HTML का काम करते हैं, वो सब नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नोटपैड जो है ना वो बेसिक होता है। इसी में आपको सिखाएंगे एकदम लैपटॉप कंप्यूटर में जब टाइपिंग करने जब, मतलब कि मुझे लगता है कि पहला दूसरा क्लास होता है कंप्यूटर क्लासेस के अंदर बेसिक वाला, तो यही पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नोटपैड हमारा खुल चुका है, हमने यहाँ से खोल लिया नोटपैड। अब इसको इसको देखिए करने के लिए, मतलब हमको एक पेज मिल गया है, पेज मिल गया है और हमको यहाँ पे कुछ लेटर लिखना है, हमको कुछ टाइप करना है, तो यही करेंगे। तो पहला इस पेज दिख रहा है, इसके बीच में देखिए यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ माउस, दिख रहा है आपको एक ये दिख रहा है जहाँ मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से ये कर्सर दिख रहा है, ये दिख रहा है उसके बगल में दिख रहा है, ये दिख रहा है इसके, तो ये किनारे दिया हुआ है, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारे इस विंडोज को मिनिमाइज कर देगा, मतलब पेज को नीचे लेते आ जाएगा। लेकिन नीचे हमको नहीं करना, हमको बड़ा करना है, तो हम बीच वाले पे क्लिक कर देते। अब देखिए हमारा पेज ये बड़ा हो गया है, अब यहाँ हमको आराम से काम करना है, ठीक है। काम क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई आपको लेटर लिखना है या कोई एप्लीकेशन लिखना है तो इसी पेज पे करेंगे शुरुआत में, बाद में अगर एक्सपर्ट बन जाएंगे आप तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे कर दीजिए, मतलब ऑफिस का जो वर्जन उस पे कर लीजिए। तो क्या करना, देखिए हमें कुछ भी लिखना है, जैसे मैं लिख लेता हूँ कुछ भी, जैसे मेरा सिंपल मुझे याद रहता है EDUCATION एजुकेशन इज LIBERTIN एंजिंग फोर्स, मतलब इंदिरा गांधी जी का ये स्टेटमेंट, उसी को मैं याद कर रखा हूँ। देखिए मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे, ठीक है अभी हमारा पेज लिख गया है ये, अब जिस तरीके से लिखा हुआ, अब इसको क्या करना है, हमको छोटा बड़ा करना है, बहुत सारी चीजें करनी, नीचे स्पेस करना है। तो मैंने कीबोर्ड के बारे में बहुत सारे वीडियोज आपको बता रखा है, अगर कीबोर्ड के बारे में आपको आइडिया नहीं है तो हमारे जाइएगा चैनल के ऊपर और कीबोर्ड रिलेटेड वीडियो देखिएगा, तो आपको कीबोर्ड में कैसे छोटा लेटर लिखते हैं, कैसे बड़ा लेटर लिखते हैं, सारी चीज बता दिया जाएगी, ठीक है। अब चलिए ये अब स्टार्ट करने के पहले लिख दिया हमने, अब देखिए हमारे ऊपर दिया हुआ मेनू दिया हुआ दिख रहा है आपको, फाइल पहला दिया हुआ है, सेकंड नंबर पे एडिट दिया हुआ है, थर्ड नंबर फॉर्मेट लिखा हुआ है, फिर व्यू लिखा हुआ है, फिर हेल्प लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये लिखा हुआ और उसके ऊपर लिखा हुआ अनटाइटल नोटपैड, इतना आपको दिख रहा। तो आपके भी लैपटॉप कंप्यूटर में जब काम करेंगे तो आपको ये दिख के आएगा, ये तो खैर मैंने टाइप किया हुआ है, समझे इस बात को, तो इसको हमने टाइप किया हुआ है। तो अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके, देखिए पहले स्टार्ट क्लिक करते हैं फाइल के ऊपर, इस पर क्लिक किया, फाइल पर क्लिक किया,
पहला ऑप्शन इसमें आ चुका है न्यू, दूसरा न्यू विंडो, ओपन, सेव, ये कार्य चीजें हम समझ लेते हैं। न्यू मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कुछ लेटर यहाँ लिख लिया है, जैसे लेटर लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, मुझे लगता है कि मुझे पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ नया पेज बनाओ, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा फाइल के ऊपर, न्यू पे क्लिक करूंगा, न्यू पे क्लिक किया, ये बोला जो ये मैं बना रखा हूँ एजुकेशन लिबर्टिंग फोर्स, क्या इसको सेव करना चाहते हैं, तो भी रफ बना हुआ था इसलिए मैं इसको सेव नहीं करता हूँ, डोंट सेव पे क्लिक करता हूँ, डोंट सेव। अब देखिए पेज मेरा ब्लैंक हो गया, न्यू हो गया, समझ गया ना। तो मतलब ये न्यू वाला मतलब हो गया कि एक ब्लैंक पेज, मतलब सादा पेज आपको मिल जाएगा काम करने के लिए, क्लियर है। उसके बाद कोई लोग कहेंगे कि नहीं एक पेज मेरा ये पड़ा हुआ है, एक पेज मेरा और खुल जाए, जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कुछ भी हमने टाइप कर दिया, यहाँ पे टाइप कर दिया हुआ, अब चाहते हैं एक और विंडोज खुल जाए, देखिए फाइल में क्लिक करेंगे, न्यू विंडो पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए न्यू विंडो, एक विंडो ये हमारा काम हो रहा है यहाँ पर पीछे पीछे, और देखिए एक विंडो हमारा यहाँ पे खुल गया, हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, बात समझे। फिर हमें कुछ करना है, हमें लगना है, फिर एक न्यू विंडो खोल सकते हैं, ऐसे करते करते हम ये आप न्यू का समझ गए और न्यू विंडो का समझ चुके हैं, दो चीज हो चुका। अब चलिए ये हो गया, मान लीजिए कि मैं कुछ लेटर लिखता हूँ, टाइप करता हूँ, जैसे मैं दुआ लिख देता हूँ, EDUCATION एजुकेशन इज LIBERTING लिबर्टिंग फोर्स, ये मैंने लिख दिया हुआ, मतलब ये समझ लीजिए कि पूरा पूरा एक लेटर टाइप का एग्जांपल दे रहा हूँ, लेटर कैसे हम पूरा पेज भर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, इसको हम पूरा पेज भर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये भर दिया यहाँ पे, अब क्या करना है कि आप जब कल आए लैपटॉप खोलें तो आप दोबारा इस फाइल को खोलें और उस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करना है तो उसको आप कर सकते हैं, ठीक है समझे। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को हम पहले सेव करेंगे, सेव कर लेंगे, जैसे हम फाइल के अंदर आते हैं तो न्यू हो गया, न्यू विंडो हो गया, ओपन के बारे में बताता हूँ मैं आपको अभी, देखिए ये सेव ऑप्शन दिया हुआ, सेव सेव मतलब कि कंप्यूटर में लैपटॉप में सुरक्षित रखें और कल परसों जब भी दोबारा हम खोलें लैपटॉप तो हमारी ये फाइल खुल जाए और उसके अंदर कुछ हमें चेंजेस करना है, हमें प्रिंट आउट करना, हम कर सकते हैं। तो हम सेव पे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो अभी बोल रहा है कि आपको सेव करना है तो क्या नाम देना आपको है, तो कोई भी नाम देना है, दे सकते हैं हमें। तो सेव कहाँ कर रहा है बता रहा है, देखिए ये दिया हुआ दिस पीसी, डेस्कटॉप दिया हुआ, लोकेशन दिया हुआ, अगर हमको चेंज करना है तो हम चेंज भी कर सकते हैं, हम सी ड्राइव डी ड्राइव जहाँ सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है अभी, हमको यही डेस्कटॉप पे सेव करना है। एक चीज नोट करिएगा, जैसे आप नोटपैड में काम करेंगे ना, इसका जो एक्सटेंशन होता है, जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो होता है TXT, जैसे एक्सेल पे काम करेंगे एक्सेल के ऊपर तो वहाँ क्या होता है XLS होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करेंगे DOC होता है, तो जब आप नोटपैड पे काम करेंगे उसका देखिए टेक्स्ट जो है ना उसका एक्सटेंशन हो गया TXT, दिखाई इस बात का ना। तो देखिए ये दिया हुआ है तो हम नाम को देना, हम डाल देते हैं JOG, मतलब कुछ भी डाल दिया हमने, जोगी डाल दिया, जोगी डाल के मैंने क्या सेव पे क्लिक कर दिया, जोगी नहीं ठीक डालता हूँ, हम कुछ भी नाम डालते हैं, जैसे राम डाल दिया, राम डाल दिया, राम नाम डाल के हमने यहाँ पर इसको सेव कर दिया, ठीक है सेव कर दिया। अब सेव करने बाद में हमारी फाइल देखिए, अब यहाँ लिख था अनटाइटल लिख के रहा था, अब देखिए जहाँ माउस हमारा यहाँ लिख क्या राम लिख क्या रहा है, ठीक है राम ना। तो हम क्या करते हैं इसको हम बंद कर देते हैं, यहाँ से कोने से हम बंद कर देते हैं, हमने बंद कर दिया, तीन चार खोले इसलिए खुला हुआ है। तो अब हमको क्या करना है कि मैं दो दिन बाद आता हूँ, अपने लैपटॉप खोलता हूँ, मुझे वही फाइल पे काम करना जो दो दिन पहले मैंने खोला कि काम किया हुआ था, तो देखा डेस्कटॉप पे मैंने राम नाम को सेव किया हुआ था, ये सिंपल मैं यहाँ से खोल सकता हूँ कि राम खोलूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ से देखिए क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल तुरंत ही वाली खुल जाएगी, उसमें कुछ चेंजेस करना मैं यहाँ सिंपल तरीके से चेंज कर सकता हूँ, ये ऑप्शन हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं सिंपल नोटपैड खोलूँ, जैसे NOTE नोटपैड खोला हूँ मैं यहाँ से क्लिक करके, आपको सिखाने के लिए मैं ये ओपन क्या होता बता रहा हूँ आपको, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ। तो हमने क्लिक किया, अब देखिए फाइल पे क्लिक करेंगे हम, हमको क्या करना ओपन जाना, ओपन क्या चीज़ है, ओपन पे क्लिक किया हमने, हमको फाइल वाली खोलनी जो कल खोला हमने था, तो कहाँ फाइल पड़ी हुई है डेस्कटॉप पीसी डेस्कटॉप पे था, और नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ लिखा हुआ राम नाम से फाइल लिखा हुआ दिख रहा, जा कर्जा मेरा जा रहा उसी को नोटिस करिएगा, एक राम पे क्लिक किया हमने ओपन कर दिया, तो देखिए कल वाली फाइल हमारी खुल गई, समझे ओपन मतलब क्या हो चुका ना। तो पहला ऑप्शन आप सीख गए, न्यू सीख गए, न्यू विंडो सीख गए, ओपन बता दिया आपको मैंने, सेव बता दिया, और एक बताता हूँ सेव एज, जैसे मान लीजिए कि ये फाइल जो मैंने बना रखा है इसको सेव राम नाम से सेव कर रखा है, देखिए राम नाम से मैंने यहाँ पे फाइल सेव कर रखा है, ये दिख रहा है ना आपको जहाँ कर्सर मेरा है राम लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ राम के अलावा एक जो है श्याम नाम का जो जो मैटर लिखा हुआ ना एक दूसरी फाइल बन जाए, इसको नाम है श्याम दे नाम दे दूँ, तो फाइल पर क्लिक करता हूँ और ये सेव एस करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ तो मैं अब क्या करता हूँ SHYAM श्याम कर देता हूँ, SHYAM ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसलिए स्पेलिंग को आप नोट मत करिए कहीं गलत लिख रहा हूँ मैं कहीं सही लिख रहा हूँ, ये हो चुका अब श्याम लिख गया हूँ, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, अब देखिए बंद कर देता हूँ यहाँ से, देखिए अब दो फाइलें बन गई मेरी, एक राम नाम की बन गई फाइल बन गई, एक मेरी बन गई क्या श्याम नाम की फाइल बन गई, ठीक है। तो समझे
सेव एज का मतलब हो गया उसी का डुप्लीकेट फाइल बनाना, उसको बोलते हैं सेव एज। अब देखिए ये राम से दोबारा कर लिया हमने, तो एक श्याम खोलेंगे, तो श्याम वाली जो फाइल पड़ी हो वो भी फाइल उसमें पड़ी हुई है, ये समझ गए। अब देखिए उसके बाद आते हैं कि ये आपने लेटर टाइप कर लिया, मतलब मैटर टाइप कर लिया, उसके बाद आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप आता है प्रिंट आता है। पेज सेटअप मतलब जब आप इसको कंप्यूटर से प्रिंट करेंगे प्रिंटर पे तो कैसा इसकी सेटिंग होनी चाहिए वो हो गया। प्रिंट मतलब होता है सिंपल तरीके से प्रिंट कर देना। तो आपको पेज सेटअप बताता हूँ। देखिए पेज सेटअप ये है, मान ली मैंने लेटर टाइप कर लिया है, अब मुझको इसको जो है ना इसको मुझे टाइप करना है प्रिंटर में से। ये हम इसको लेकर आते नीचे लेकर आ रहे हैं तो हम नीचे ला दिए। अब मुझे इसको प्रिंटर में टाइप करना मतलब प्रिंटर प्रिंट आउट करना, तो इस पर क्लिक करेंगे, हम आएंगे पेज सेटअप के ऊपर। आपका प्रिंटर लैपटॉप में कंप्यूटर में लगा होना चाहिए तभी प्रिंट कर पाएंगे ना, या तो आपका और प्रिंटर आपका इंस्टॉल हो। तो आप पेज सेटअप पे आते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए पेज सेटअप पे क्लिक करने बाद में एक लेटर खुल के आ गया, ये पेज खुल के आ गया, विंडो खुल के आ गया। इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ साइज, जो नॉर्मल हम फोटोकॉपी दुकान पे जाते हैं जो पेपर हमको मिलता है ना उसको बोलते हैं A4 साइज पेपर। नॉर्मल बाय डिफॉल्ट जो है आप यहाँ पे A4 करेंगे, सेलेक्ट करेंगे A4 मतलब जो फोटोकॉपी वाले दुकान पेपर मिलता है उसको कहते हैं A4 साइज कहते हैं, ये हो चुका। उसके सेकंड नंबर पे आप देखिए ओरिएंटेशन लिखा हुआ पोर्ट्रेट लिखा हुआ है। पोर्ट्रेट मतलब क्या हो गया, ये पोर्ट्रेट लिखा हुआ है तो पोर्ट्रेट मतलब सीधा पेज देख रहे हैं, पेज ऐसे दिख रहा है सीधा पेज दिख रहा है आपको एकदम पूरा सीधे पेज प्रिंट आउट करेगा। लेकिन आप कर देंगे पोर्ट्रेट कर देगा तो ये देखिए साइज बदल जाएगा, समझे। तो पोर्ट्रेट करेंगे सीधा करेगा और लैंडस्केप करेंगे तो पेज को टेढ़े में प्रिंट आउट करेगा, ये हो गया। उसके बाद आप मार्जिन चाहते हैं मतलब इस साइड में कितना गैप चाहते हैं, इस साइड में कितना गैप चाहते हैं, इस साइड कितना गैप चाहते हैं, तो इसको टॉप लेफ्ट करके इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आप इसको देखिए मैं 10 था इसको 9 करता हूँ तो देखिए कम बेसी हो गया ये। इसको फिर मैं अगर 7 करता हूँ देखिए ये ज्यादा इसे कर सकते हैं, यहाँ से अपसेट करेंगे तो ये आपका चेंज होगा। फिर ये हेडर हो गया, मतलब चाहते हैं कि हर पेज के अंदर कुछ ना कुछ लिख के आए तो डीडी डाल दिए, यहाँ लिख के आ देंगे ऐसे लिख दिए, तो जो भी पेज आपका आएगा ना उसके हेडर में फोटर में आपका ये लिख के आएगा। इसको मत यूज करिए, इसको चेक कर सकते हैं जैसे कि हमने इस पे कर दिया ओके कर दिया ठीक है, फिर हमने ओके कर दिया ये जब प्रिंट आउट करेंगे हमारा तो आएगा ये। अब ये क्या करते हैं कि अब ये आप इसके बारे में जान चुके हैं ये सेटअप क्या हो गया, फिर हमको क्या करना प्रिंट करना है। प्रिंट मतलब कि हमको अब प्रिंटर में प्रिंट करना है तो प्रिंट पर क्लिक करेंगे सिंपल, तो ये पूछ रहा है प्रिंटर इंस्टॉल हमारा है, प्रिंट कर देंगे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये पेपर में छप के आ जाएगा जो भी एप्लीकेशन जो भी लेटर हमने यहाँ लिखा हुआ है। पहला वाला ऑप्शन क्लियर हो चुका ना, एग्जिट मतलब क्या होता है ये निकल जाएगा बंद हो जाएगा, हमको एग्जिट करना नहीं बंद नहीं करना है, तो ये हो चुका। अब देखिए इसमें कुछ चीजें दी हुई हैं जो मैंने आपको बताया है, न्यू विंडो ओपन इसका शॉर्टकट की भी दिया हुआ है, जो ये काम करना चाहते हैं तो ये कंट्रोल प्लस एन के साथ में न्यू हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट मतलब कीबोर्ड के अंदर बटन दिए रहते हैं ये करेंगे तो ये शॉर्टकट की दी हुई है। कंट्रोल ओ मतलब ओपन, कंट्रोल एस मतलब सेव हो गया, कंट्रोल शिफ्ट एस मतलब ये भी सेव एज हो गया, कंट्रोल पी मतलब शॉर्टकट की दिया हुआ कीबोर्ड के माध्यम से डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं, समझिए इस बात को। अब चलते हैं नेक्स्ट मेनू के ऊपर। नेक्स्ट मेनू दिया हुआ एडिट, देख रहे एडिट दे रहा है ना, एडिट एडिट में ये सब बता दो आपको। मैं पहला स्टार्ट करता हूँ अंडू, अंडू दिया हुआ ना, मान लीजिए कि लिखा हुआ एजुकेशन लिखा हुआ है, इसको मैं यहां से डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट मतलब गायब हो गया। अब इसको मुझे दोबारा लाना है तो एडिट पर क्लिक करेंगे, अंडू कर देंगे तो देखिए मैटर दोबारा आ जाएगा, बात समझे ना। इसको हमने क्या किया, इसको हमने यहां से कट कर दिया, कट करने बाद में अब हम एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट पे अंडू कर देंगे तो दोबारा हमारा आ जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए इतना पूरा मैटर है, हमने इन सबको ऐसे राइट क्लिक करके और इसको हमने कट कर दिया, कट कर दिया, दोबारा हमको लाना है तो ये एडिट पे क्लिक करें, अंडू करेंगे दोबारा मैटर हमारा आ जाएगा, समझे। तो पहला ऑप्शन अंडू का समझ चुके हैं। एक होता है कट ऑप्शन होता है, कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, वो मैं बताता हूँ आपको। मैं देखिए किसी चीज करने के लिए ना आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे ये मुझे इस चीज को कुछ करना है अगर है तो मुझे माउस को प्रेस करके इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इतने एरिया को मुझे कुछ करना है, मुझे इसको कट करना है मतलब गायब करना है, तो हम एडिट पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करने बाद में हम यहाँ पे कट पर क्लिक कर देंगे, कट पर करें देखिए यहाँ से गायब हो गया, समझे, कट पर क्लिक किए यहाँ से गायब हो गया। तो कट पर क्लिक करने बाद में अब दूसरा नंबर आता है, देखिए एक हो गया कट, एक होता है कॉपी, एक होता है पेस्ट। अभी कॉपी बताता हूँ आपको क्या होता है, तो हम क्या कट किए हुए हैं, हम इस पर पेस्ट पर क्लिक कर देते हैं तो दोबारा हमारा आ गया वो। कट मतलब क्या हुआ, कट मतलब हमने वहां से डिलीट किया और पेस्ट मतलब कर दिया, वो हम ला दिए। अंडू का मतलब ये हो गया, जैसे आपने 10 पेज लिखा हुआ है, 10 पेज को एक साथ डिलीट कर दिया है, तो अगर आप उसको अंडू कर देंगे तो मतलब बैक चीज में रिटर्न हो जाता है, अंडू मतलब ये होता है, कट मतलब वो चीज वहां गायब हो गया। तो कट किया हमने गायब कर दिया, पेस्ट से हमने उसको चिपका दिया। इन सबका शॉर्टकट की होता है, जैसे जो मैं कर रहा हूं तो कंट्रोल सेलेक्ट करें, कंट्रोल एक्स कर देंगे कट कर लेगा, कंट्रोल सी कर लेंगे कॉपी कर लेगा, कंट्रोल वी कर देंगे पेस्ट कर देगा। तो अब क्या करना हमको है, हमको कॉपी बार बताता हूं आपको मैं। देखिए इस पर क्लिक सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको मैं, और अब ये एडिट पे क्लिक करता हूँ, मैं ये
कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया, देखिए यहाँ से ये मैटर गायब नहीं हुआ, कट में क्या है ये मैटर गायब हो गया था, कॉपी मैटर गायब नहीं हुआ, तो अब मुझे कॉपी हो चुका है, अब मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो एडिट में जाते हैं पेस्ट कर देंगे, तो देखिए पेस्ट यहाँ हो गया, मतलब कट में वो चीज गायब हो जाएगा लेकिन पेस्ट हो सकता है, और कॉपी के अंदर वो मैटर वहां रहेगा और इसको पेस्ट कर सकते हैं, ये हो चुका है, कट कॉपी पेस्ट कर लिए। उसके बाद चाहते हैं डिलीट करने के लिए, डिलीट बटन दिया हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, इसको आपको डिलीट करना है, इनको सिलेक्ट कर लीजिए, फिर एडिट पे आइए, यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए, डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा, दिखाएंगे डिलीट हो गया। उसके बाद एडिट क्लिक करेंगे, देखिए इसमें दिया हुआ फाइंड, दिखाना फाइंड दिया हुआ, फाइंड फाइंड पे क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ लिखते हैं फाइंड, फाइंड के ऊपर सर्च करते हैं फोर्स, एफ ओ आर सी ई, फोर्स कहाँ लिखा हुआ है, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं फाइंड फोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, बता दिया फोर्स कहाँ लिखा हुआ, देखिए इसने सर्च कर तुरंत कर दिया, सर्च कर दिया ना, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देखिए बता रहा दो जगह फोर्स लिखा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब मान लीजिए कि आपने 10 पन्ना लिखा हुआ है, तो 10 पन्ने में सर्च करना है कि फोर्स कहाँ लिखा हुआ है, तो उस तरीके से आप फोर्स को सर्च कर सकते हैं, ये फोर्स लिखा हुआ था। उसके बाद फिर आते हैं हम लिखा हुआ यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट, वही चीज है, फाइंड प्रीवियस वही चीज है। अब रिप्लेस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, मतलब मान लीजिए आपने 10 पन्ने का एक लेटर बना रखा है, उसमें क्या ये फोर्स सब दिया हुआ, फोर्स दिया हुआ है, ऐसे आपने फोर्स दिया हुआ है, क्या करना, फोर्स को हमको सेलेक्ट चेंज करना है, इसको पावर में करना है, हमको फोर्स दिया पावर करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सर्च कर लेंगे, क्लिक करें यहाँ एडिट पे आएंगे, पेज के अंदर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए फाइंड व्हाट, फोर्स फाइंड करना है, रिप्लेस भी कितने का करना है, रिप्लेस करना हमको पावर से, पी ओ डब्ल्यू ई आर, पावर क्लिक कर दिया। अब हमें क्या करना है, रिप्लेस ऑल दिया हुआ ना, रिप्लेस ऑल इस पे हमने क्लिक कर देना है। अब हमको देखते हैं, तो देखिए जो लिखा हुआ था ना फोर्स देखा क्या हो गया, पावर बन गया, ये समझे कितना अच्छा टूल है ना, रिप्लेस ऑल करके, रिप्लेस करके इसको हमने क्लिक किया। अब दोबारा क्लिक करते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं, अब यहाँ देखिए पावर हो चुका है, अब पावर को हम चाहते हैं दोबारा ये फोर्स अगर हो जाए, तो फिर जाकर के यहाँ पे हम रिप्लेस पे क्लिक करके यहाँ पर हम जाकर के पावर लिखा ऊपर लिखा हुआ है, एफ ओ आर सी फोर्स कर देंगे, रिप्लेस ऑल क्लिक कर देंगे, तो देखिए हमारा दोबारा पावर फोर्स हो गया ये, समझे, ये भी क्लियर हो गया आपको। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे मान लीजिए आपको ये सेलेक्ट करना है, सारी चीजें सेलेक्ट करना है, तो एडिट पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, शॉर्टकट की है, या इस पर क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट ऑल हो गया आपका, समझे इस बात का। फिर देखिए एक टूल और इंपॉर्टेंट यहाँ पर, डेट टाइम, आपको यहाँ पर मान लीजिए आपको यहाँ डेट और टाइम लगाना है, लिखना है डेट टाइम लिखना है, या तो मैनुअल लिख दीजिए, या तो जो कंप्यूटर का डेट और लैपटॉप का डेट टाइम होगा वहाँ पे छप जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए वो छप गया कि 25/1 ये टाइम छप गया आपका, 17/1 और 25/5/2022 का टाइमिंग हो गया, समझ गए। तो ये फाइल के अंदर जितने मेनू तो आपको क्लियर हो गया, एडिट में जितना सब क्लियर हो चुका है, और देखिए ये हो गया आपका फॉर्मेट, फॉर्मेट में दो चीज दिया हुआ, एक दिया हुआ वर्ड रैप दिया हुआ है और एक दिया फॉन्ट दिया हुआ है। देखिए वर्ड रैप बताता हूँ आपको मैं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये मतलब एकदम आगे ये जो है ना सीधे सीधे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, नीचे नहीं आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक करके फॉर्मेट क्लिक करके हम वर्ड रैप कर देते हैं, तो अब देखिए क्या हमारा ये ना, हम कुछ टाइप करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिक नीचे आ गया, ये लिख रहा ना, तो नीचे लाइन से लिखना स्टार्ट हो जा रहा है, तो वर्ड रैप का मतलब ये होता है कि नीचे लाइन से क्लिक हो गया। अगर हम वर्ड रैप नहीं करें, मान लीजिए अनटिक कर देते हैं, अब फिर हम कुछ टाइप करते हैं, तो ये आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, तो ये भी क्लियर आपको हो गया, वर्ड रैप हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो लेटर लिखा हुआ है ना, जैसे ये जो लेटर लिखा हुआ है, छोटा है, बड़ा है, आपको ये स्टाइल पसंद नहीं है, इसको चेंज करने के लिए क्या करना रहेगा, आपको इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए फॉन्ट में दिया हुआ एक फॉन्ट, फॉर्मेट में दिया हुआ फॉन्ट दिया हुआ, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब देखिए ये जब फॉर्म खोलेंगे, अभी खुल के आ गई, ये खुल के आ गया, इसमें पूछ रहा है कि जो स्टाइल दिया हुआ, अगर आप चाहते हैं ये स्टाइल करना तो आप ये स्टाइल कर सकते हैं, देखिए इतने सारे जीव हैं, इसमें आप जो दिए हुए हैं इसमें आप कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ कर लीजिए, करने बाद में बोल्ड लेटर टाइप करना है, बोल्ड कर लीजिए, छोटा लेटर बड़ा कर लेटर करना है, यहाँ से अगर चाहते हैं बड़े लेटर लिखे हुए थे छोटा कर लीजिए, यहाँ पे सारी चीज करके और उसको ओपन कर देंगे, तो यहाँ फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा, देखिए हमने सेलेक्ट किया हुआ, देखिए यहाँ पे चेंज सबका हो गया फॉन्ट स्टाइल, क्लियर है ना। तो फॉन्ट वाला ऑप्शन भी चेंज करना आपको है, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं फॉन्ट के ऑप्शन से भी, ठीक है, ये हो गया आपका। हिंदी इसको टाइप करना था, इसमें हिंदी फॉन्ट लोडेड है, यहाँ से हिंदी सेलेक्ट करके हम हिंदी भी टाइप कर सकते हैं चाहे आपको, तो ये बड़ा लेटर भी कर छोटा लेटर कर सकते हैं, ये एकदम बेसिक है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं उसका बेसिक अगर ये जान जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये दोनों जा चुके हैं, व्यू के अंदर दिया जूम दिया हुआ, देखिए जूम जूम है, फिर इसको बड़ा करना चाहते हैं जूम करेंगे, जूम बड़ा हो गया, फिर जूम करना चाहते हैं जूम करेंगे, बड़ा हो गया, दिख रहा ना ये जूम बड़ा करेंगे, उसके बाद जूम आउट कर देंगे, जूम इन था जूम आउट कर देंगे, देखिए छोटा हो गया, समझ रहे हैं इस बात को, ये बात हो गया, और उसमें कुछ नहीं दिया हुआ है ये मुझे लगता है कि, और फिर हेल्प दिया हुआ है, हेल्प के बारे में अबाउट नोटपैड क्या सारी चीजें हैं। तो देखिए बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही कम शब्दों में मैंने बताने का प्रयास किया कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है
लैपटॉप कंप्यूटर में आपको नोटपैड आना, अगर आपको ये आ गया तो मुझे लगता है कि आप कंप्यूटर का बेसिक सीख गए और आपके लिए पक्का काम आ जाएगा। तो इसको काम में खत्म कर लिया है तो देखिए कोने से दिया हुआ काटने के लिए यहाँ से काट दीजिए, या तो फाइल के अंदर दिया हुआ एक्सिट दिया हुआ इस पर जाइए क्लिक कर लीजिए। तो देखिए पूछ रहा है कि डू यू वॉन्ट टू सेव, क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो हमारा कुछ मैटर इंपॉर्टेंट तो नहीं, हम डोंट सेव पर क्लिक कर देते हैं तो हम इससे एग्जिट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये पहला पार्ट था, आपको मैंने नोटपैड के बारे में सिखा दिया है और मुझे लगता है कि आप लोग को तो अच्छा लगा। नोटपैड अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा ना तो अब आप लैपटॉप और कंप्यूटर में काम करने में कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि जब भी लैपटॉप कंप्यूटर कोई छूता है काम करता है ना तो उसको ये नोटपैड जरूर आना चाहिए। नोटपैड एकदम स्टार्टिंग है ये, और उसमें क्या सारी चीज़ें होती हैं। अब इसका बड़ा भाई नोटपैड का वर्ड पैड है, जो कि वो भी विंडोज़ के अंदर लोड रहता है, और उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड, जिसके अंदर और ज़्यादा फीचर दिए रहते हैं दोस्तों। तो इतना सारी चीज़ जान गए आप हैं। वीडियो पसंद आपको आया है तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताए आपके लिए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं, वीडियो को शेयर करिए। चलिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।